कोच का मुश्किल काम है क्योंकि आपके इख्तियार में चीज़ें नहीं होती। आप प्लेयरों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, प्लान्स देते हो, कई दफ़ा बेचारे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो कोचिंग में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टफ टाइम होता है वो अपने आप का सब्र का यू नो पेशेंस लेवल, वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। एंड आई बिलीव दैट कि आपके मैन मैनेजमेंट स्किल अगर तगड़े होते हैं और अगर आप सोचते हैं कि जी मैंने फोकस होके जब कोई फेलियर आता है, जो प्लान्स लड़के एग्जीक्यूट सही नहीं कर सकते, तो उनको फिर उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और उनको बैक करने की कोशिश करते हैं। कोचिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली, लगता आसान है बट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए ना तो कोचिंग प्लेयर से ज़्यादा मुश्किल है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, और प्रोएक्टिव होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको सिचुएशन के मुताबिक, वो एक फ्रेज मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, व्हेन टू से, व्हाट टू से, वेयर टू से, ये दो तीन चीज़ें होती हैं। प्लेयर को कब बात करनी है, कैसे बात करनी है और किस मौके पे करनी है, ये आई थिंक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। और कोच के और प्लेयर के रिलेशनशिप का तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दो तीन चीज़ें आपको आ जाती हैं और उसके ऊपर पेशेंस लेवल होता है, देखिए कोई भी प्लेयर बंदा है, कोई भी कोच हारना नहीं चाहता, मगर जब आपकी टीम हारती है, कोई प्लेयरों को आप प्लान देते हो वो एग्जीक्यूट सही नहीं करते, उसके ऊपर फिर आपका पेशेंस लेवल इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन कर सकें। जो मेरे साथ काम करते हैं मैं ऑनरशिप लेता हूँ उनकी, और मैं समझता हूँ कि ऑनरशिप लेना बहुत ज़रूरी होती है अपने स्पिनर्स की या किसी भी प्लेयर की। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं खेल रहे हैं इस वक्त, दे ऑल माई फेवरेट्स, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई ओन दैम, मैं उनकी ऑनरशिप लेता हूँ। बिलीव ऑन योर प्लेयर्स, जब आप अपने प्लेयर्स के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो बिलीव प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। जब आप डाउटफुल होकर कोचिंग करते हैं या आप डाउटफुल होकर प्लान्स देते हैं तो को प्लेयर्स जो होते हैं वो आपके प्लान्स को और आपके वो जो आपका माइंड सेट होता है उसको हाफ हार्टेडली लेते हैं, और उसके बाद हैज़ टू बी अ वेरी गुड मैन। वो मैं हमेशा ये फ्रेज़ इस्तेमाल करता हूँ, उस उस्ताद को कोई हक नहीं होता अपने स्टूडेंट्स को डांटने का जो उनके लिए बाद में दुआएं ना करता हो। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।